ठीक है। अब यहाँ पे बिगो कैसे यूज होता है, ओमेगा कैसे यूज होता है, वो हम लोग नेक्स्ट आगे फर्दर जो स्लाइड्स है वहां पे देखते हैं। अब नेक्स्ट सपोज किया कि हमारे पास एक ये फंक्शन है, इसका हमने सिंपल सा वहां पे कोड देखा था लास्ट स्लाइड में। तो अब यहाँ पे हम आहिस्ता से थोड़ा शार्ट वे में भी चेक करना स्टार्ट होगा, कैसे हम लोग अगर शार्ट वे में करना चाहें। तो अगर आप इसको यहाँ पे अगर आप हम देखते हैं, तो आपके पास जो स्टेटमेंट है एक int i इक्वल टू जीरो, ये आपकी स्टेटमेंट जस्ट एक दफा एग्जीक्यूट होगी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास i लेस देन n, ये आप कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, ये n टाइम आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे आप लोग हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो n है वो इक्वल टू 5 है। अगर हम n इक्वल टू 5 सपोज करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे i जीरो के टाइम जो है, आई जब जीरो होगा तब भी ये ट्रू होगी स्टेटमेंट, आई जब इक्वल टू 1 होगा तब भी ट्रू होगी, आई आई जो है सॉरी आई इक्वल टू 2 होगा तब भी ट्रू होगी, आई इक्वल टू 3 होगा तब भी ट्रू होगी, आई इक्वल टू 4 के टाइम भी ट्रू होगी, और आई इक्वल टू 5 के टाइम ये ट्रू नहीं होगी बल्कि फाल्स हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे ट्रू टाइम देखें, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 टाइम ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, और फिफ्थ टाइम जो है आपकी स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगी। मीन्स कि जब आई यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 लेस देन 5 ये स्टेटमेंट कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो अब टोटल अगर हम इसको काउंट करें, तो आपके पास i 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके पास 6 स्टेटमेंट बनती है। तो आपकी ये जो मिड वाली स्टेटमेंट होती है, ये आपकी n+1 टाइम जो है एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। इस कंडीशन में आपकी मुख्तलिफ सिनेरियो में मुख्तलिफ हो सकती है, यहाँ पे आपके पास ये n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो जो n है वो आपका वो कौन सा टाइम होगा, जब तक आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रहेगी, n टाइम मीन्स के 5 टाइम आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रहेगी। और ये जो 1 टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जब आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होती है। जब आपकी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो उस वक्त भी आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, एक्सक्यूट करने के बाद इसको पता लगेगा कि ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ठीक है। समझ आ रही है। तो यस अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन हो, जब मैं क्लियर सारा खत्म करूंगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन अपने माइंड में रखें, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, वो आपकी है i++, ठीक है। i++ आप ये कितनी दफा एक्सक्यूट होगी, तो अब ये कैसे एग्जीक्यूट होती है कि यहां से आपका कंपाइलर यहां पे आता है और यहां से अगेन यहां पे जाता है। तो जब i0 होगा, i0 से एक दफा इंक्रीमेंट होगा i1 तक आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद i1 से इंक्रीमेंट होगा तो हम i2 पे आएंगे, i2 से इंक्रीमेंट होगा तो हम i3 पे आएंगे, i3 से इंक्रीमेंट होगा i4 पे आएंगे, और i4 से इंक्रीमेंट होगा i5 पे आएंगे। इट मीन्स कि जो आपकी स्टेटमेंट है आपकी 1, 2, 3, 4 और 5, आप क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट उस वक्त एग्जीक्यूट नहीं होती जब आपका ये फॉल्स हो जाता है, तो आपकी ये i++ वाली जो स्टेटमेंट है ये जस्ट एंड टाइप जो होता है आपका वही आपकी एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट एंड टाइप एग्जीक्यूट यहां पे होगी। इसी तरह जो नेक्स्ट आपके पास नीचे आपके पास ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये अब इसमें आपके पास एडिशन का भी एक फंक्शन है, और इसके बाद असाइनमेंट का भी आप ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। एडिशन का ऑपरेशन है और उसके बाद असाइनमेंट का ऑपरेशन है। तो अगर यहाँ पे दो तीन ऑपरेशंस हैं, तो हमने यहाँ पे कहा था कि हम जो कॉन्स्टेंट होता है वो निग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस पूरी स्टेटमेंट को देखें कि ये पूरी स्टेटमेंट कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, तो पूरी स्टेटमेंट कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, जितनी दफा ये ट्रू होगा, तो ये ट्रू कितनी दफा हो रहा है, ये एन टाइम ट्रू हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम वन बाय वन देखते हैं, तो हमारे पास जो फॉर लूप में स्टेटमेंट है, आपकी आई जो जीरो थी, इंट आई इक्वल टू जीरो, ये कितनी दफा एग्जीक्यूट होगी, 1 टाइम। आई लेस देन एन जो है वो आपकी n+1 टाइम एग्जीक्यूट होती है। देन उसके बाद जो i++ है वो आपकी एन टाइम एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, आपके लूप में जो तीनों स्टेटमेंट है। अब या तो यह है कि हम इन तीनों स्टेटमेंट को लिख लें, अगर तीनों स्टेटमेंट को लिखते हैं तब भी ठीक है आपका। लाइक अगर मैं यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट है उसको मैं लिखता हूँ, तो आपके पास आंसर एट द एंड 1+n+1+n आता है।
इसको मैं अगर ओके करता हूँ तो आपके पास ये 2n+2 आ जाते हैं, ठीक है। और देन अगेन हम इसको देखते हैं तो हमारे पास जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो आपके पास n ही आ रहा है, तो हम इसको इक्वल टू n भी कह सकते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ा फंक्शन है हम जैसे उसको इंपोर्टेंस देते हैं, बाकी इग्नोर कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जस्ट n ही आ रहा है। तो इसका शॉर्ट वे एक ये होता है कि हमारे पास जो फॉर लूप है इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हम देखते हैं कौन सी आ रही है फॉर लूप के अंदर भी। तो फॉर लूप के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू n+1 है, तो हम जस्ट इक्वल टू n+1 भी अगर लिखे तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। इसका भी आंसर इक्वल टू अगेन n ही आता है कि हम कॉन्स्टेंट को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ तब चीजें समझ आएगी। तो आपने फॉर लूप में जब शॉर्ट वे में आपको कहा गया, अगर तो आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि आपने 1 by 1 हर एक स्टेटमेंट को ड्राई रन करते हुए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर दिया, तो फिर तो आपने 1 by 1 हर स्टेटमेंट को लिखना है। अगर जस्ट कहा गया कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बता दें तो फिर आप शॉर्ट वे में इस तरह भी कर सकते हैं कि जस्ट जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको आप लिख लें, ठीक है। तो आपके पास अगेन n+1 ही आता है। तो हमने यहां से n+1 इस पूरी स्टेटमेंट में से, मैं इसको क्लियर करता हूँ, तो यहां से आप ये सपोज कर लें कि इस पूरी स्टेटमेंट में से आपके पास जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो सबसे बड़ी है वो n+1 है, और देन आपके पास जो ये स्टेटमेंट रन होगी वो कितनी दफा रन होगी, वो n टाइम रन होती है, जितनी दफा ट्रू होता है। अब हम इस पे करते क्या है कि अगर आपके पास लूप जो है सिंगल लूप है तो आप लूप की वैल्यू को लिखते हैं n+1, और देन ये जो आपके पास नीचे जितनी दफा लूप में जो चीजें एग्जीक्यूट हो रही है वो सारी आप प्लस कर देते हैं, तो आप यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2n+1, ठीक है। अब 2n+1 में आप कॉन्स्टेंट को इग्नोर कर सकते हैं, तो आपने +1 को भी इग्नोर कर सकते हैं और 2 को भी इग्नोर कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं हम लोग ये डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको बिग ओ ऑफ एन जो है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है किसी एल्गोरिथम की, तो हम यहाँ पे आप लिखते हैं कि ये बिग ओ ऑफ एन लिखे, ओमेगा ऑफ एन लिखे, थीटा ऑफ एन। तो यहाँ पे अगर हमने एन की फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे ये एन लिखा, तो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको ओमेगा ऑफ एन कहूँ तो ओमेगा ऑफ एन भी लिख सकते हैं, और इसको मैं थीटा ऑफ एन भी लिख सकता हूँ, ठीक है, सही हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एन के बजाय यहाँ पे मैं एन स्केयर लिख देता हूँ इस साइड पे, तो फिर अब यहाँ पे मैं ओमेगा ऑफ एन स्केयर नहीं लिख सकता, ना ही मैं थीटा ऑफ एन स्केयर लिख सकता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे बिग ऑफ एन स्केयर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि इस जो लूप है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्केयर है, फैक्ट वे है वो हमारे पास बिग ऑफ एन ही है। जी आप बोले, क्वेश्चन है आपका। एक्सक्यूज मी सर, अगर आप कह रहे हैं कि हम निगलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास दो छोटे छोटे जो हैं उनकी वैल्यू 4 4 है और जो बड़ा है उसकी वैल्यू 5 है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास 13 बन जाती है, तो हमें तो सिर्फ 5 रहेगी ना, हम जैसे आप कह रहे हैं तो हम 5 कौन सा आप एग्जाम्पल दे रहे हैं अभी 4 और 5 की मुझे तो। सर अगर हम एक वैल्यू 4 लेते हैं और 5 लेते हैं ना, ठीक है, तो अगर हमारे पास छोटी मतलब दो वैल्यूज हैं, हम 4 4 की लेते हैं और एक बड़ी वैल्यू 5 है, फोर और फाइव फाइव। देखो, 4 और 5 जो फंक्शन है ना वो आपके दोनों कॉन्स्टेंट ही है, ओके सर, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट ही, वो एट द एंड आप जस्ट कॉन्स्टेंट लिख देंगे कि उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉन्स्टेंट है। जब फंक्शन की बात होगी तो आपका एन स्केयर एन एन क्यूब इस फॉर्म में आते हैं, तो फिर आपका वो हम फंक्शन देखते हैं वहां पे। आप अगर आपके पास कॉन्स्टेंट आता है ना, लाइक मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपके सर। पास वैल्यू आती है 4+5+7, अब आप एट द एंड इसको बिग ऑफ 1 लिखेंगे, जो कॉन्स्टेंट फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है वो 1 से होती है, तो आप इसको बिग ऑफ 1 लिख सकते हैं कि आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ओके सर, चले ठीक है, अच्छा बस आप छुट्टी कर सकते हैं, छुट्टी करना चाहिए।